हाय एवरीवन कैसे हैं आप सभी स्वागत है आपका द नॉलेज नोकड़ यूट्यूब चैनल में एंड माय नेम इज़ रेनू धाकर और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर दैट इज पोलिनियल्स पॉलीनोमियल्स स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक आसान सा क्वेश्चन है दैट व्हाट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये तो आप अपनी जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं बट स्टिल देयर इज लॉट ऑफ कन्फ्यूजन बिटवीन द स्टूडेंट्स कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं ठीक है जूनियर क्लासेज में हमने एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो चलिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको सीखते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे यह एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है फाइव एक्स माइनस थ्री ठीक है फाइव एक्स माइनस थ्री तो यह क्या है यह है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है अब इसका पता कैसे चलेगा कि यह एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो एल जेब्रिक एक्सप्रेशन में किन चीज़ों का होना ज़रूरी है एल एक्सप्रेशन में एक कॉफिशेंट होना चाहिए एक होना चाहिए वेरिएबल और एक मैथमेटिकल ऑपरेशन ठीक है ये तीन चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होता है तभी वह एल्जैब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है तो देखिए यहाँ पर जो फाइव है वह है कॉफिशियट एक्स है वेरिएबल और ये जो माइनस का साइन लगा हुआ है यह है मैथमेटिकल ऑपरेशन ठीक है कॉफिशेंट क्या होता है कॉफिशियंट होता है जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई रहता है जैसे कि एट मल्टीप्लाई एक्स तो एट क्या है कॉफिशियनट और एक्स है वेरिएबल सेवन बाई टू मल्टीप्लाई बाई बाय तो वाई क्या है वेरिएबल और सेवन बाई टू है कॉफिशियट तो कॉफिशियट जो है वह है कोई भी रियल नंबर हो सकता है कॉफिशियट कोई भी रियल नंबर हो सकता है ठीक है वेरिएबल क्या होता है वेरिएबल का मतलब होता है वैल्यू का चेंज होना वेरिएबल मतलब वेरी करना तो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है एक्स की वैल्यू माइनस में हो सकती है प्लस में हो सकती है अंडर रूट में हो सकती है ठीक है तो ये होता है वेरिएबल मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारे हैं हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस नेक्स्ट है कांस्टेंट कांस्टेंट क्या होता है जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है थ्री क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहेगी ठीक है कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है ये क्या रहती है फिक्स्ड रहती है वेरिएबल की वैल्यू वेरी करती है कॉफिशियंट जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है उसको हम कॉफिशियंट बोलते हैं ठीक है थीके? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हुआ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉफिशियंट वेरिएबल एंड मैथेमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ठीक है बाई डेफिनेशन अगर आपको नोट डाउन करना हो नोटबुक में तो आप नोट कर सकते हैं अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉफिसियंट वेरिएबल एंड मैथेमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड एन एल एक्सप्रेशन ठीक है अब जैसे कि मैंने लिखा एट एक्स मैंने लिखा एट एक्स तो क्या यह है? एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो आप बोलोगे कि नहीं मैम यह तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है तो देखिए बच्चे इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन है कि नहीं हम देखते हैं एट को हमने मल्टीप्लाई किससे किया है एक्स से किया है ठीक है यहाँ पे यही लिखा हुआ है एट एक्स मतलब एट मल्टीप्लाई बाई एक्स तो यहाँ पे देखिए ये हो गया मैथमेटिकल ऑपरेशन ये हो गया हमारा कॉफिशियंट और एक्स हो गया वेरिएबल तो अब आप बताइए यह है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं बिल्कुल है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ठीक है अब आता है वॉट इज पॉलिनोमिय अब आता है व्हाट इज पोलिनोमियल्स पोलिनोमियल्स क्या होते हैं तो पोलिनोमियल्स भी बच्चे एक तरह का एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है पोलिनोमियल भी क्या होता है एक तरह का एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इट इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल की पावर होती है वह है एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है इसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है नॉन नेगेटिव इंटीजर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक मैंने लिखा वन अपॉन एक्स प्लस एक्स ठीक है दोनों ही एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं दोनों ही एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं है, है कि नहीं लेकिन जो ऊपर वाला है उसमें एक्स की पावर किस में है पॉजिटिव में है प्लस टू एंड प्लस वन ठीक है फोर एक्स स्क्वायर में पावर कितनी है प्लस टू और एक्स में पावर है प्लस वन और जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है इसमें एक्स की पावर कितनी है हमने लॉज ऑफ़ एक्सपोनेंट में क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर है या फिर कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर माइनस में है तो उसको हम लिख सकते हैं बेस का रेसिप्रोकल और पावर हो जाती है हमारी पॉजिटिव ठीक है अब यहाँ पे इसका उल्टा दिया हुआ है तो एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस है ठीक है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है एक्स की पावर यहाँ कितनी है प्लस वन है ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस वन हो जाएगी और ये हो गया प्लस एक्स ठीक है ये हो गया प्लस एक्स तो अब यहाँ पे एक्स की पावर नेगेटिव में आ गई और ये पॉजिटिव में है इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी पावर पॉजिटिव में है और कितनी नेगेटिव में है अगर एक भी पावर नेगेटिव में आ जाती है या फिर फ्रैक्शंस में आ जाती है तो फिर वह पॉलिनोमियल्स नहीं माना जाएगा यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि जो पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है कि जो पावर है वह होल नंबर होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए होल नंबर होल नंबर में क्या क्या आता है ज़ीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन ठीक है नेगेटिव या फिर फ्रैक्शंस में या फिर अंडर रूट में पावर नहीं हो सकती है ठीक है बच्चों तो चलिए अब मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक एक्सप्रेशन मैंने लिखा अंडर रूट एक्स प्लस टू ठीक है दोनों ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं अब आप बताइए इसमें से पॉलिनोमियल कौन सा है अब बताइए पॉलीनोमियल कौन सा है तो जो फर्स्ट है उसमें एक्स की पावर यानी वेरिएबल की जो पावर है वो प्लस में है, है कि नहीं और इसमें वेरिएबल की पावर क्या है वन बाई टू ठीक है इसमें वेरिएबल की पावर क्या है वन बाई टू रूट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं रूट एक्स इक्वल टू एक्स की पावर वन बाई टू ठीक है एक्स की पावर वन बाई टू और वन बाई टू एक नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है वन बाई टू क्या है एक फ्रैक्शन वैल्यू है और फ्रैक्शन वैल्यू इंटीजर्स में या होल नंबर्स में नहीं आती हैं तो एक्स की पावर वन बाई टू प्लस टू यह पॉलिनोमियल नहीं है यह पॉलिनोमियल नहीं है लेकिन फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या है एक पॉलिनोमियल है लेकिन ये दोनों ही एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है दोनों ही एक्सप्रेशन एल्जैब्रिक एक्सप्रेशन तो हैं लेकिन दोनों एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हैं उनमें से सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल है फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ठीक है तो यहाँ से अब एक स्टेटमेंट निकल के आता है दैट ऑल एल्जैब्रिक एक्सप्रेशंस मे नॉट बी पॉलिनोमियल ऑल एल्जैब्रिक एक्सप्रेशंस मे नॉट बी पॉलिनॉमियल बट ऑल पॉलिनॉमियल्स आर एल्जैब्रिक एक्सप्रेशंस ठीक है तो ये आप इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं ऑल द पॉलिनोमियल्स आर एलजैब्रिक एक्सप्रेशंस जितने भी पॉलिनॉमियल्स हैं वो एल्जैब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं बट ऑल एल्जैब्रिक एक्सप्रेशंस मे नॉट बी पॉलिनोमियल्स लेकिन सारे के सारे एल्जैब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनॉमियल हों ऐसा ज़रूरी नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया कि वन अपॉन एक्स प्लस एक्स एक एलजैब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक पॉलिनोमियल भी है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है ठीक है समझ में आ गया पॉलिनोमियल क्या होता है चलिए आगे चलते हैं अब हम पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है जैसे कि मैंने लिखा फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन ठीक है थ्री एक्स प्लस वन अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें पॉलिनोमियल की डिग्री बताइए कि इसमें पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है तो जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वेरिएबल की हाइस्ट पावर का मतलब क्या है कि जो एक्स है उसकी पावर कितनी है प्लस टू थ्री एक्स में एक्स की पावर है प्लस वन और वन में एक्स की पावर है जीरो जीरो कैसे है वन को हम कैसे लिख सकते हैं वन मल्टीप्लाई एक्स की पावर जीरो ठीक है लिख सकते हैं कि नहीं तो इसकी पावर हो गई जीरो तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है हाईएस्ट पावर है टू तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वह है टू तो हमारा आंसर कितना हो गया टू मैंने लिखा एट एक्स की पावर नाइन प्लस सेवन एक्स की पावर टेन प्लस थ्री एक्स अब इसमें पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है टेन क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की टेन है मैंने लिख दिया नाइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 11 प्लस टू तो एलेवन क्या है हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल तो डिग्री कितनी हो गई इलेवन हो गई ठीक है मान लो मैंने लिख दिया अब सेवन ठीक है अब आपसे पूछा जाएगा कि सेवन की डिग्री क्या है तो सेवन की डिग्री क्या होगी सेवन को कैसे लिख सकते हैं सेवन बाय एक्स की पावर ज़ीरो तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई जीरो हो गई ठीक है तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है तो जनरल फॉर्म क्या होती है पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन ए एन माइनस टू एक्स एन माइनस टू इट्स सो ऑन ए टू एक्स स्क्वायर ए वन एक्स ए जीरो एक्स जीरो ठीक है ये होती है इसकी जनरल फॉर्म जो पॉलिनोमियल होता है या फिर जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी एक्स से पी एक्स से कर सकते हैं क्यू एक्स से कर सकते हैं आर एक्स से कर सकते हैं आर टी से कर सकते हैं एस यू से कर सकते हैं किसी से भी कर सकते हैं ठीक है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम इसको पी एक्स से ही रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है बच्चों समझ में आ गया अगर मैंने यहाँ पे पी एक्स लिया है ठीक है अगर मैंने पी एक्स लिया इसका मतलब वेरिएबल क्या है एक्स है अगर मैंने क्यू टी लिया है तो इसमें वेरिएबल क्या हो जाएगा टी जैसे पी एक्स का मैंने लिखा टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और टी का मैंने लिख दिया टी क्यू प्लस टू टी स्क्वायर प्लस वन ठीक है इस तरह से अगर मैं ले लेती हूँ एस यू ठीक है तो इसमें वेरिएबल क्या है यू अब हम जो एक्सप्रेशन लिखेंगे वो किस में लिखेंगे यू की टर्म में लिखेंगे क्योंकि वेरिएबल हमारा यू है मान लो मैंने लिख दिया थ्री यू प्लस वन ठीक है इस तरह से तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी एक्स या फिर क्यू एक्स आर टी एस यू किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपको समझ में आना चाहिए जहाँ पे एन ए जीरो ए वन ए टू ये सब क्या हैं ये सब कॉन्सटेंट्स हैं ये सब क्या हैं कॉन्सटेंट्स हैं यानी कोएफिशिएंट्स हैं ठीक है जैसे कि हमने लिखा था फाइव एक्स स्क्वायर तो फाइव क्या था इसमें कोएफिशिएंट ऐसे यहाँ पे जो ए एन है वो क्या है कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट हमेशा कॉन्स्टेंट रहते हैं कोएफिशिएंट वेरी नहीं करते हैं ठीक है बच्चों अब देखिए ये एक्सप्रेशन किस तरह से आया ठीक है जैसे मैंने लिखा एट एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन ठीक है तो ये हो गया मान लो ए इसको हम मान लेते हैं कॉफिशियंट क्या है अपना ए तो ये हो गया ए टू ये हो गया ए वन और ये कितना हो गया ए जीरो ठीक है कॉफिशियंट ए टू क्या है एट तो ये हो गया ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो हुआ कि नहीं अब ए टू की वैल्यू कितनी है एट ए वन की वैल्यू कितनी है फाइव ए जीरो की वैल्यू कितनी है वन ठीक है इसमें भी इस तरह से हम लिख सकते हैं एक्स की पावर ज़ीरो ठीक है तो ये इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं समझ में आया चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ डिग्री डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं ठीक है तो एक होता है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल ठीक है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री जीरो होती है जिनकी डिग्री क्या होती है जीरो जैसे कि मैंने लिखा फोर अब फोर में डिग्री कितनी है ज़ीरो क्योंकि फोर को हम कैसे लिख सकते हैं फोर मल्टीप्लाई एक्स की पावर जीरो तो इसमें डिग्री आ गई इसकी इसमें डिग्री आ गई क्या ज़ीरो नेक्स्ट है लीनियर पोलिनियल लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री वन होती है वन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वन से कम हो सकती है जैसे मैंने लिखा फोर एक्स प्लस वन ठीक है फोर एक्स प्लस वन तो इसमें वन को हम कैसे लिख सकते हैं एक्स की पावर ज़ीरो ठीक है तो यहाँ पे एक्स की जो हाइएस्ट पावर है वो कितनी है प्लस वन और यहाँ पे है जीरो तो हाइस्ट पावर कितनी है इसमें वन तो ये कैसा पॉलिनोमियल है एक लीनियर पॉलिनोमियल है ये कैसा है लीनियर पॉलिनोमियल ये पॉलिनोमियल है हमारा कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वो रहेगी हमारी टू जैसे टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू ठीक है अब इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है प्लस टू यहां पे है प्लस वन और ये यह है यहां पे जीरो तो ये कैसा पॉलिनोमिल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिल है क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो प्लस टू है नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर रहेगी वेरिएबल की वो होगी थ्री जैसे कि एट एक्स क्यू एट एक्स क्यू में हाईएस्ट पावर कितनी है थ्री ठीक है टू एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस वन में हाईएस्ट पावर है प्लस थ्री ठीक है सिक्स माइनस एक्स क्यू सिक्स माइनस एक्स क्यू में वेरिएबल की हाइस्ट पावर कितनी है प्लस थ्री अगर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर थ्री है यानी कि हाईएस्ट पावर थ्री है तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल अगर किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर टू है तो उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल किसे बोलते हैं ऐसा पोलिनोमियल जिसमें जो हाईएस्ट पावर है वह वन होनी चाहिए और कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल में हाइएस्ट पावर होती है जीरो ठीक है समझ में आया टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल पॉलिनियल्स इन वन वेरिएबल का मतलब है कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें सिर्फ एक वेरिएबल होता है जैसे मैंने लिखा पी एक्स इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू और एक पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया पी वाई इक्वल टू फोर वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस टू ठीक है तो अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल चेंज किया है यहाँ पे मैंने क्या किया है दोनों में वेरिएबल चेंज किया है लेकिन पूरा जो एक्सप्रेशन है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल आ रहा है जो एक्सप्रेशन है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो पी एक्स वाला एक्सप्रेशन है उसमें मैंने सिर्फ एक्स लिया है ठीक है और जो पी वाई वाला एक्सप्रेशन है उसमें मैंने सिर्फ वाई वेरिएबल लिया है ठीक है तो ये कैसा है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल अब हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि मन कि हमने लिखा फोर एक्स प्लस थ्री वाई प्लस थ्री जेड तो यह वन वेरिएबल वाला नहीं है क्योंकि इसमें अलग अलग वेरिएबल आ गए। इसमें थ्री वेरिएबल्स हो गए मैंने लिख दिया वन अपॉन एक्स प्लस वाई तो यह भी वन वेरिएबल नहीं है इसमें भी टू वेरिएबल हैं तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब है कि जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है उसमें सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए ठीक है जैसे मैंने लिखा एस टी ठीक है एस टी इक्वल टू टी क्यू प्लस टू टी माइनस थ्री ठीक है तो इसमें भी जो वेरिएबल है वो मैंने एक ही लिया है ठीक है इसलिए ये क्या है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल तो वन वेरिएबल का मतलब है कि जो एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं उसमें सिर्फ़ एक ही वेरिएबल होना चाहिए अब देखिए यहाँ पे कुछ एल्जैब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं इसमें आपको बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है तो x प्लस वन अपॉन एक्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं x प्लस एक्स की पावर माइनस वन तो यह भी पॉलिनॉमियल नहीं है इसमें है थ्री रूट वाई तो इसको हम लिख सकते हैं y की पावर वन बाई थ्री वाई की पावर वन बाई थ्री प्लस वाई यह भी पॉलिनॉमियल नहीं है क्योंकि y की पावर क्या आ गई वन बाई थ्री आ गई यह पॉलिनॉमियल क्यों नहीं था क्योंकि इसमें एक्स की पावर माइनस वन थी रूट एक्स प्लस थ्री इसको कैसे लिख सकते हैं एक्स की पावर वन बाई टू प्लस थ्री तो यह भी पॉलिनोमियल नहीं है पॉलिनोमियल के लिए क्या कंडीशन है कि जो वेरिएबल की पावर है वह नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए यानी कि होल नंबर होनी चाहिए ठीक है इफ द वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल इज एक्स वी मे डिनोट द पोलिनोम बाई पी एक्स और क्यू एक्स और आर टी और एटसेट्रा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम पी एक्स ही लेंगे हम उसको किसी से भी डिनोट कर सकते हैं पीएक्स ले सकते हैं क्यू एक्स ले सकते हैं एस यू आर टी जो आपकी मर्जी आए ले सकते हैं ठीक है अब पॉलिनोमियल कैन हैव एनी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स एक पॉलिनोमियल में कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हैं इनफाइनाइट नहीं हो सकती हैं फिक्स टर्म्स रहेंगी ठीक है इनफाइनाइट टर्म्स इसमें नहीं होती हैं फिक्स टर्म्स होती हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स की पावर वन फिफ्टी प्लस एक्स की पावर वन फोर्टी नाइन प्लस एक्स की पावर वन फोर्टी एट प्लस एक्स की पावर वन फोर्टी सेवन एंड सोन एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इस तरह से तो इसमें जो टोटल टर्म है वो कितनी है वन फिफ्टी वन कितनी टर्म्स हैं वन फिफ्टी वन वन फिफ्टी वन कैसे हैं कि एक्स की पावर वन फिफ्टी से एक्स तक कितनी हो गई वन फिफ्टी और एक वन भी तो है वन को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर जीरो से तो प्लस वन तो ये हो गया टोटल वन फिफ्टी वन टर्म्स अब मान लीजिए मैंने लिखा एक्स की पावर सेवन प्लस एक्स की पावर सिक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ठीक है तो एक्स की पावर सेवन से लेके एक्स तक कितनी टर्म्स हो गई सेवन और एक वन वाली टर्म भी होती है तो ये हो गया वन ठीक है तो ये हो गया यहाँ पर टोटल एट टर्म्स तो अगर आपसे एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि, कि किसी भी पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं तो वो आप इजीली बता सकते हो नेक्स्ट है मोनोमियल्स मोनोमियल्स क्या होते हैं मोनोमियल्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल्स जैसे कि टू एक्स टू एक्स में कितनी टर्म है एक ही टर्म है टू मल्टीप्लाई एक्स तो यह क्या है एक मोनोमियल है अगर मैं लिख दी टू एक्स प्लस वन तो इसमें कितनी टर्म हो गई अब दो टर्म हो गई तो यह मोनोमियल नहीं है तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें सिर्फ एक टर्म होती है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल टू में कितनी टर्म्स हैं एक ही टर्म है टू मल्टीप्लाई एक्स की पावर ज़ीरो फाइव मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कितनी टर्म है एक ही टर्म है सिक्स एक्स क्यू एक ही टर्म है, है तो ये सब क्या है मोनोमियल्स हैं एट वाई क्यू ये भी क्या है एक मोनोमियल है सेवन वाई फाइव यह भी एक मोनोमियल है रूट थ्री एक्स की पावर टेन यह भी एक मोनोमियल है समझ में आया मोनोमियल क्या होते हैं जिनमें सिर्फ एक टर्म होती है उनको हम बोलते हैं मोनोमियल्स नेक्स्ट है बाइनोमियल्स बाइनोमियल्स क्या होते हैं जिनमें दो टर्म होती हैं उनको हम बाइनोमियल बोल देंगे जैसे एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू यू स्क्वायर प्लस थ्री यू ये क्या है बायनोमियल्स हैं क्योंकि इसमें दो टर्म हैं ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं ट्राइनोमियल्स होते हैं जिनमें तीन टर्म होती हैं जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव फाइव बाई क्यू माइनस रूट थ्री बाई स्क्वायर प्लस सिक्स ये क्या हैं ट्राइनोमियल्स हैं तो इस तरह से बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स मोनोमियल्स होते हैं ठीक है बच्चों समझ में आया बहुत ईजी है इसमें कुछ भी नहीं है कि जिस एक्सप्रेशन में कि जिस एक्सप्रेशन में जितनी टर्म्स हैं उसके हिसाब से हमने उसको नाम दे दिया अगर किसी में एक टर्म है तो हमने बोल दिया मोनोमियल अगर किसी में दो टर्म है तो हमने बोल दिया बायनोमियल्स अगर किसी में थ्री हैं तो हमने बोल दिया ट्राइनोमियल्स ठीक है अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जो हमको सॉल्व करने हैं फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पोलिनोमियल्स गिवन बिलो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनमें आपको पोलिनोमियल की डिग्री बतानी है तो क्वेश्चन नंबर वन है एक्स की पावर फाइव माइनस एक्स की पावर फोर प्लस थ्री डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ठीक है तो एक्स की पावर फाइव कितनी है इसमें पावर फाइव एक्स की पावर फोर में है फोर और थ्री में है ज़ीरो ठीक है तो हाइएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की फाइव तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा फाइव ठीक है क्वेश्चन नंबर टू है टू माइनस वाई की पावर टू माइनस टू वाई क्यू प्लस टू वाई की पावर एट तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है की पावर एट ठीक है हाईएस्ट पावर कितनी है की पावर है तो हमारी जो डिग्री हो गई पॉलिनोम की वो कितनी हो गई एट हो गई डिग्री कितनी हो गई हमारी एट हो गई तो ये हो गया हमारा आंसर नेक्स्ट है टू टू में हाइएस्ट पावर कितनी है टू को हम कैसे ले सकते हैं टू मल्टीप्लाई एक्स की पावर जीरो ठीक है टू मल्टीप्लावाय एक्स की पावर जीरो तो यहाँ पे जो डिग्री है वो कितनी है जीरो है क्योंकि एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है जीरो है अगर जीरो है तो हम ज़ीरो लेंगे अगर वन होगी तो वन लेंगे ठीक है समझ में आया हाईएस्ट पावर किस तरह से निकालते हैं